नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। आज देव शयन एकादशी है, यानी कि आज के दिन देवता सो जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर पाएंगे, कब तक? 8 नवंबर तक। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का रखें ध्यान, हम गुरु जी से यही पूछेंगे। और साथ ही परवरिश टिप की बात होगी, दिन का शुभ अशुभ समय जानेंगे, जन्मदिन, आज का राशिफल होगा और अंत में वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम राम गुरु जी। मैं भारती का प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की। राम राम। गुरु जी, देव शयन एकादशी को लेकर लोगों को ये तो मालूम है कि इस दिन के बाद से कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपने कामों की एक लिस्ट बना लें और उसे 8 नवंबर तक के लिए वो वाले जो प्रोग्राम है जो मंगल कार्यों की श्रेणी में आते हैं उन्हें टाल दें और जो काम सामान्य है उसको वह कराते रहें। जैसे गृह प्रवेश ना करें तो अच्छा है, लेकिन घर बनवा सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई सेरेमनी ना करें तो अच्छा है, लेकिन विवाह की बातें वो कर सकते हैं। इसी तरीके से नौकरी को लेकर बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करें ना करें, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। व्यापार शुरू करें या ना करें, व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो जो कुछ विशेष मंगल कार्य होते हैं उसमें देव जब सो जाते हैं, ये योग निद्रा है विष्णु जी की मूलता, तो जब विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं तो उस वक्त में केवल मंगल कार्य नहीं होते हैं, लेकिन आपका बाकी जीवन वह आराम से चलता रहता है। अब इस बाकी समय में करना क्या है आपको? गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से 4 महीने यह गुरु के साथ बैठकर अध्ययन करने के होते हैं, इसलिए आप अध्ययन कीजिए, आप भजन पूजन कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए और जीवन में बाकी जैसे आपके कार्य चलते हैं उन्हें वैसे ही चलाते रहिए। बस उन कार्यों का ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो देखा, ये है ध्यान देने योग्य बात, आपको क्या करना है और किन चीजों से डरना नहीं है, उन्हें जरूर कर लेना है, कोई वहम मत रखिएगा। और भी बहुत कुछ गुरुजी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशिफल की बात करते हैं। पहले 4 राशियों का गुरुजी दिन कैसा होगा? यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानिए। मेष राशि, जल्दबाजी में किए गए फैसले से नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वाहन भी ध्यान से चलाएं। बस एक छोटी सी सावधानी आपको बरतनी बहुत जरूरी है, इस दिन यदि अपने माँ, मित्र या सीनियर से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप गौ माता की सेवा कीजिएगा और अगर ये किसी कारण से कठिन है तो ओम गंगड़पताये नमः का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए। वृषभ राशि, यह दिन दौड़भाग वाला है, मन में थोड़ा परेशानी संशय आदि रहेगा, लेकिन फिर भी समय अनुकूल है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। अब आप लोगों से पूरे दिन कोई अपने हृदय की या राज की बात नहीं कहेंगे। उपाय क्या करना है जिस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप मीठे फलों का दान करिए। मिथुन राशि, संभल के कोई निर्णय लीजिएगा, इस दिन लिए गए निर्णयों में गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, रिश्ते नाते निभाने में बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई आपसे नाराज हो सकता है या आपकी निंदा कर सकता है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जिन लोगों को दांतों की या गले की दिक्कत है वो थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम गंगणपताये नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। कर्क राशि, ये दिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छा नहीं है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आप हल्का भोजन लीजिएगा और साथ ही साथ कम बोलिएगा। उपाय क्या करना है? दूध या दूध से बनी चीजों का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाइए, अपने राशियों के उपाय नोट करते जाइए, लेकिन जब देव शयन एकादशी का मतलब आता है या हम सोचते हैं कि देव सो जाते हैं, इसका क्या अर्थ होता है गुरुजी? हाँ। ये भी बहुत जिज्ञासा का विषय है, ये मैं आपसे पूछूंगी आगे, लेकिन उससे पहले परवरिश टिप जान लेते हैं, वो क्या है पेरेंट्स के लिए? ध्यान से सुनिए, ये जो समय है अब इसमें कीड़े निकलना शुरू होते हैं, वह कीड़े बच्चों को काटते हैं जिससे बच्चों को नुकसान भी हो जाता है। नीलगिरी का तेल
यदि वह बदन पर मल कर फिर बाहर जाए तो या तो कीड़ा काटेगा ही नहीं, और अगर उसने काट भी लिया तो उसका विष अंदर नहीं जाएगा, जहर अंदर नहीं जाएगा। जहर सुन के डर मत जाइएगा, मतलब उसका उससे कोई भी आपको इन्फेक्शन आदि नहीं होगा। और जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उन्हें पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कृपा करके वह मच्छरदानी में सुनाइए। तो बहुत ही कारगर बात है। अब देखिए, मच्छरदानी सबसे सेफ है और नीलगिरी का तेल बहुत ही घरेलू उपाय है, इससे किसी स्किन के एलर्जी होने का भी डर नहीं है। तो जब भी पार्क बच्चों को भेजे खेलने के लिए तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। और अब उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, घूमिए फिरिए, स्थान परिवर्तन के अच्छे योग हैं, स्थान परिवर्तन से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये जो समय है यह आगे बढ़ने के लिए बहुत मुफीद समय है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, रिश्ते इसमें गड़बड़ाएंगे तो आप अपने रिश्तों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा भावावेश में बढ़कर आपको ना कोई ऐसा वायदा करने की ज़रूरत है जो काम आप कर नहीं सकते, और या किसी पर गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। भावावेश में गुस्सा कर लिया, बदले लेने की भावना आ गई, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें आपको हो जाएंगी। अपने राज शेयर मत कीजिएगा। तो खूब मेहनत करने का ये वक्त है, और ये ध्यान और ये मान के चलिए कि इस वक्त की जो मेहनत है ये आपको 2-3 वर्ष तक लाभ देगी। और मज़े की बात क्या है, इस समय में आलस्य बहुत आएगा। अच्छा। और समय मेहनत का है यही वक्त होता है, तो वक्त आपको तरक्की करने से रोकेगा, और यही आपकी चुनौती है कि तरक्की करके दिखा देनी है। तो आलस्य मत कीजिएगा, ऑल द बेस्ट। तो मेहनत कीजिए और वो उपाय करना ना भूलिए जो गुरुजी ने आपको बताया है। आज हम बात कर रहे हैं देवशयन एकादशी की। गुरुजी, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है देव सोते हैं, लेकिन आखिर देव सोते क्यों हैं? वो तो भगवान है। दरअसल इसके पीछे एक कथा है। पहले मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। हाँ। और उसके बाद इसका लॉजिक समझाता हूँ। ठीक। राजा बाली असुरों का राजा, लेकिन ये बड़े पराक्रमी थे, तो इन्होंने पूरी पृथ्वी पर बल्कि तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु ने वामन रूप धरा और राजा बाली से दान में, क्योंकि वो बड़े दानी हैं, उन्होंने दान में तीनों लोग वापस ले लिए। राजा बाली ने कहा, मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, भाई आप पाताल चले जाए। वो पाताल लोग चले गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि वो विष्णु भक्त हैं, उन्होंने एक शर्त रखी कि विष्णु जी मेरे पास रहेंगे। अब विष्णु जी ने वरदान दे दिया, विष्णु जी पाताल लोक रहने लगे। अब लक्ष्मी जी को परेशानी हुई, तो लक्ष्मी जी वहां पहुंची और उन्होंने क्या किया, राजा बाली को भाई बना लिया और उनसे कहा, भाई वो पत्नी है, अपने पति को वापस अपने साथ लेके जाएंगी ही, तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी को आप मेरे साथ वापस भेज दीजिए। तो राजा बाली ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन विष्णु जी के सामने एक धर्म संकट था, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं 4 महीने तुम्हारे पास रहा करूँगा और बाकी समय जो है मैं लक्ष्मी जी के साथ रहा करूँगा। तो इस तरीके से ये जो 4 महीने हैं ये विष्णु जी पाताल में रहते हैं और वहाँ पर निद्रा शयन करते हैं, आराम करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस दिन से देव शयन हो गया और 4 महीने बाद देव उत्थान हो गया, यानी विष्णु जी जागेंगे। एक बात, लेकिन इसके पीछे एक और रेशनैलिटी है, एक और लॉजिक है, उसको ध्यान से समझिए, उसको थोड़ा योग विद्या के माध्यम से समझना होगा। गुरु पूर्णिमा हुई, उसके बाद चतुर्मास प्रारंभ हुआ, ये 4 महीनों का जो समय है, सावन भादो का जो समय है, इस समय में योग साधना अनुष्ठान और धर्मशास्त्र का अध्ययन यही ही होता है।
काल के अनुसार परिस्थितियों में परिवर्तन आते ही हैं, अब परिवर्तन आ ही गया है, लेकिन मूलतः ये होता और ये होना भी चाहिए। तो भगवान विष्णु जी योग से योग निद्रा में आते हैं और यह योग निद्रा का समय होता है और इसमें आकाशीय नाड़ी भी में भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, सूर्य में भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, जिसकी चर्चा मैं अभी दो दिन बात करूंगा। आयन में भी परिवर्तन अब हो जाता है। तो इसको पूरे योग से समझ, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की बात करते हैं, ये इसका लॉजिक है। तो भगवान विष्णु जी इस वक्त योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और वह पूरे ब्रह्मांड आदि की रचना हो तो रचना, और उस समय सृष्टि की देखभाल करना हो तो वह, यह काम वो करते हैं। और मनुष्य भी उस वक्त में अनुष्ठान करता है, सिद्धि साधना का प्रयत्न करता है और वह भी सृष्टि के कार्यों में लगता है, सृष्टि के पालन में अपनी हिस्सेदारी निभाता है ना। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कथा और कथा से उपजी तार्किकता। तो वाकई गुरुजी ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, और मुझे लगता है जो हमारे ज्यादातर दर्शक हैं उन्हें भी बहुत हैरानी हुई होगी कथा सुनकर, और सबसे बड़ी बात उसका वो लॉजिक सुनकर कि देव सोते क्यों हैं। और अब दिन का शुभ अशुभ जानने का समय आ गया है, गुरुजी वो क्या है? हाँ, फटाफट नोट कीजिए, पहले मैं अशुभ समय नोट कराता हूँ फिर शुभ समय नोट कराऊंगा। अशुभ समय में दो मुहूर्त नोट कीजिए, सुबह 8:20 से 9:15 तक, दोपहर में 12:54 से दोपहर में 1:49 तक, गुलिक काल नोट कीजिए सुबह 7:18 से 9:01 तक, यमगण काल नोट कीजिए दोपहर में 3:52 से 5:35 तक, और राहु काल नोट कीजिए सुबह 10:44 से 12:27 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:59 से 12:54 तक, और अमृत काल होगा सुबह 7:09 से 8:45 तक। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं, आप समय का ध्यान जरूर रखें। हमें पता है राशिफल का भी आपको इंतजार है, गुरुजी जो बीच की चार राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जानिए। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, भाई बहनों की इसमें मदद भी आपको मिल सकती है, लेकिन भाई बहनों से मन मुटाव के योग भी बन रहे हैं। अपने निजी संबंधों का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने शिक्षक या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपके संबंध न बिगड़े इस दिन, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है, यह दिन बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा भी है, इसलिए आलस से को तज कर खूब मेहनत कीजिए। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, धन संबंधी मामलों में भी कुछ चिंता परेशानी आपको बनी रह सकती है, स्वास्थ्य या धन की वजह से किसी काम में कोई अटकन भी आ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है, बशर्ते कि वह मित्रों में अपना समय जाया ना करें। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन मीठी रोटी का दान अवश्य कर दें। तुला राशि, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नए प्लान होंगे, हाँ मन में कुछ उलझन सी जरूर रहेगी। एक सावधानी, कोई आपको भड़का कर आपको परेशान करवा देगा आगे जाके, इसलिए अपने दिलो दिमाग से काम लें और साथ ही साथ घर के लोगों के हालचाल भी लेते रहें, क्योंकि घर के लोगों में बीमारी फैलने का योग है। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करें और उसके बाद काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा, सोची हुई बातें पूरी नहीं कर पाएंगे और कोई रिश्ता भी आपका कमजोर पड़ सकता है, ध्यान रखें, सावधानी, इस दिन कम बोलें और जो बोलें वो तोल मोल कर अपनी बात कहें। उपाय क्या करना है, ओम हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। देखा कितने आसान से उपाय हैं, अब दिन को अच्छा बनाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए। देव शयन एकादशी की बात हो रही है गुरुजी, और क्या कुछ करना या ध्यान रखना चाहिए इस दिन? हाँ,
दो तीन मोटी मोटी बातें जरूर समझ लीजिए, आपको आसानी रहेगी। देवशयन एकादशी के दिन दो तीन कार्य अवश्य प्रारंभ करने चाहिए। पहली चीज तो हम कोई एक अपना धर्मशास्त्र निकाल लें, उसे रख लें सामने और नियमित रूप से उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। चाहे ये शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो या अन्य कोई, जो भी आप अध्ययन करना चाहें, लेकिन धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए ये समय सबसे अधिक सिद्धपूर्ण होता है। तो आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करना शुरू करें। एक बात, जो लोग ध्यान साधना के मार्ग पर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए योग से साधना की ओर का रास्ता बहुत सुगम हो जाता है समय। अब ये योग कौन सा है, मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ, व्यायाम करने में और योग करने में अंतर कीजिए। तो ध्यान साधना की का जो मार्ग है, यम नियम का जो मार्ग है, ईश्वर प्राणिधान और प्रत्याहार का जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है और ये समय उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिए। इस समय में दान पुण्य का बड़ा लाभ रहता है, तो आप जरूरतमंद लोगों को कुछ भी दान करने का एक नियम बना लीजिए। किसी भी दिन ये नियम बना सकते हैं। जो वैष्णव हैं वो बुधवार के दिन ये नियम बना लें, जो शैव हैं वह रविवार अथवा सोमवार के दिन ये नियम बना लें, जो माँ दुर्गा की उपासना करते हैं वो लोग बृहस्पति अथवा शुक्र को ये नियम बना लें। बहुत कृपा प्राप्त होगी आप सबको। तो इन्हें ध्यान जरूर रखिएगा। अब देवों को उठाएंगे 4 महीने बाद, लेकिन उस दौरान भी कुछ ध्यान रखना चाहिए जो गुरुजी ने आपको बताया है। और अब अंतिम 4 राशियों की बात करते हैं, उनका दिन कैसा होगा गुरुजी? नदी धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन निर्णय लेने के लिए ठीक नहीं है। धन के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रतिष्ठा के लिए भी कमजोर है, इसलिए सावधानी से चलिएगा। और एक बहुत विशेष सावधानी आर्थिक मामलों में आपको बरतनी पड़ेगी, कहीं बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपका काम बन सकता है। यद्यपि जो अच्छा समय है वो बहुत थोड़ा सा है, यानी 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है, लेकिन इस समय में आप कुछ विशेष कर सकते हैं, अटके हुए कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सावधानी, वाहन दुर्घटना के योग हैं, या चलते फिरते ऊपर नीचे उतरते चढ़ते भी दुर्घटना के योग हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए थोड़ी परेशानियों के बाद सफलता देने वाला है। इस दिन यदि किसी से आपको आश्वासन मिला होगा तो वह पूरा नहीं हो पाने की वजह से आपको क्रोध भी आ सकता है। क्रोध थोड़ा सा दबा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संबंधों का भी ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन जल्दबाजी में कुछ परेशानियां पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान करें, डिसीजन सोच के लें और सलाह करके लें। खास तौर से यदि आपका डिसीजन मकान, वाहन या कहीं निवेश से संबंधित है तो ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इस दिन आप फलों का दान जरूर कर दीजिएगा 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को। चलिए, दिन तो आपका अच्छा हो गया, खूब सारे उपाय गुरुजी ने बताए, जो नहीं करना है वो भी समझा दिया और देवशयन एकादशी के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चल गया। अब बारी है उस विचार की जो हम सबका दिन बना देगा। गुरुजी वो क्या है? रहीम जी का एक दोहा सुनाता। अरे वाह, रहीम जी का एक दोहा सुनाता हूँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने की है। वो कहते हैं, वरु रहीम कानन बसे असन करिए फल तोए, बंधु मद गति दीन हवे बसी वो उचित ना होए। वो कहते हैं जब तक आप पर धन है आप लोगों के बीच में रहिए, लेकिन जब आपके पास धन समाप्त तो हो जाए, गरीबी आपको घेर ले, तब अपने भाई बहनों के मध्य भी नहीं रहना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। इससे
आपका ना कॉन्फिडेंस कम होगा, ना उनके मन में आपके प्रति प्रेम कम होगा। दूर जाइए, उसके बाद फिर मेहनत कीजिए, फिर अमीर हो जाइए और फिर समाज में चले आइए, अपने बंधु बांधवों में चले आइए। देखिए कितनी संसारिक और व्यवहारिक बात गुरुजी ने आपको बताई है कि जब धन ना हो, गरीब हो जाए तो क्यों अपने भाई बहनों के साथ नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन शुभ हो। देवता सो रहे हैं, आप लेकिन जागे रहे और अपना काम खूब मेहनत से करते रहे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार।